Hey guys, welcome to my YouTube channel. My name is KP Sharma. My qualification is Diploma in Medical Laboratory Technology. जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल से जैसा आपने टाइटल देखा, इस वीडियो के अंदर हम कंप्लीट डिटेल से बात करेंगे। उससे पहले दोस्तों, अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज यार सब्सक्राइब कर लीजिए, और हमारे YouTube चैनल के ऊपर रिलेटेड टू वीडियोज अपलोड होते रहते हैं, DMLT, BMLT, BSc, MLT, और दोस्तों जो भी MLT स्टूडेंट है और जो लैब टेक्नीशियन है, या अगर आप टेस्ट के बारे में इंटरेस्टेड हो जानने के, तो दोस्तों कंप्लीट वीडियोस इस YouTube चैनल के ऊपर अपलोड होते रहते हैं। तो दोस्तों साथ ही साथ में आपको बेल आइकन भी प्रेस कर देना है। इस चलिए दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हे गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे प्लेटलेट कैसे इंक्रीज कर सकते हैं आप नॉर्मली। दोस्तों आपको पता है प्लेटलेट क्या होता है, जो एक ब्लड सेल्स होती है, सबसे छोटी सेल्स होती है, और दोस्तों इसका नॉर्मली जो लाइफ स्पेन टाइम होता है वो होता है 10 से 7 दिन। दोस्तों हमारे बॉडी के अंदर अलग अलग सेल्स होती हैं, उसी टाइप से एक ब्लड के अंदर भी सेल्स होती है प्लेटलेट। दोस्तों प्लेटलेट की नॉर्मल रेंज होती है वो होती है 1,50,000 से 4,50,000। तो दोस्तों ऐसे में आप कैसे नॉर्मली अपनी प्लेटलेट को इंक्रीज कर सकते हैं, क्योंकि दोस्तों आपको पता ही है डेंगू फीवर के अंदर और साथ ही साथ में दोस्तों मलेरिया फीवर के अंदर दोस्तों ये प्लेटलेट डाउन हो जाती है। तो सबसे पहले दोस्तों आपको क्या करना है, पपीता का जूस आप पी सकते हो, या पपीता की जो पत्तियाँ होती है उसको गर्म करके दोस्तों उसका भी जूस पी सकते हो। साथ में अनार का आप सेवन कर सकते हो, चुकंदर का सेवन कर सकते हो, और जो गेहूं ज्वार होते हैं उसका भी कर सकते हो, और कीवी भी आप खा सकते हो। तो दोस्तों ऐसे में इस दोस्तों ये प्रोसेस आप करने से आपकी प्लेटलेट इंक्रीज होगी 100%, कहीं ना कहीं आपको प्रॉफिट होगा। और साथ ही साथ में दोस्तों वह खाना खाइए जिसके अंदर विटामिन सी जो काफ़ी मात्रा के अंदर पाया जाता है, वो आपको खाना खाना है, जिस कारण दोस्तों आपकी प्लेटलेट इंक्रीज हो जाए नॉर्मली जो प्लेटलेट की रेंज होती है, क्योंकि दोस्तों डेंगू फीवर और मलेरिया फीवर के अंदर दोस्तों प्लेटलेट डाउन हो जाती है। तो दोस्तों ऐसे में आप नॉर्मली ये खाना खा के अपनी प्लेटलेट को इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है गाइस। उसके साथ ही साथ में दोस्तों आपकी जो HB है वो भी रिकवर हो जाएगा, साथ ही साथ में आपकी RBC भी इंक्रीज हो जाएगी। तो दोस्तों ऐसे में आपको ये जो भी खाना है आप खा सकते हैं, या आपको जो भी प्रोटीन है आपको वो कंप्लीट डाइट से लेना है, विटामिन सी और विटामिन जो भी विटामिन जिसके अंदर विटामिन पोषक तत्व ज़्यादा हो वो आपको उसका सेवन करना है, और आपकी प्लेटलेट इंक्रीज हो जाएगी, ठीक है गाइस। आज के इस वीडियो में बस इतना ही, थैंक यू सो मच गाइस।